रोटी, सैलेड है, रोटी है। अच्छा तो कम है ये जी, बैंगन बन डाले आल के, ये शामी कबाब और शलजम का अचार, पास्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो पिछले व्लॉग के बाद फ़ौरन से वहीं से शुरू हो जाता है। हज साहब के घर से हम खाना वाना खा के निकले थे, तो अभी हम जा रहे थे हैदराबाद। जाना तो कराची है लेकिन पहले हैदराबाद जाएँगे, वहाँ पर स्टे करेंगे। सिस्टर है मेरी बड़ी वहाँ पर, तो उनसे मिलना था। हमने सोचा था बस मिल के निकल लेंगे, तो अभी बस जा रहे थे और रास्ते में देखे अभी तक सैलाब का पानी वैसे ही खड़ा सारी ज़मीन। तो बस अल्लाह पाक रहम करे सबके हाल पे, अल्लाह पाक इनकी भी मुश्किलें आसान करे। सैलाब से बहुत मुश्किल आता है इनकी ज़िंदगी में। बगैर मसाले दे चाहिए ना? मसाला तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हस्बैंड को पंजाबी बोलने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि उनके साथ सारे जो काम करते हैं वो भी पंजाबी हैं, और पिंडी इस्लामाबाद साइड पे भी पंजाबी ज़्यादा चलती है, तो सिंधियों के साथ भी पंजाबी बोल रहे थे। और यहाँ के अमरूद तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, सिंध के ये फ्रेश फ्रेश काट के देते हैं, तो हमने अमरूद लिए थे इनसे। तो ये अभी तक लोगों की ज़मीनों में पानी खड़ा है। जिनके घर हम गए थे वो भी, उनकी भतीजी बता रही थी आज साहब की, कि हमारी ज़मीनों में भी फसल लगी हुई थी और पानी आ गया था, सैलाब आया था और अभी तक पानी खड़ा है, तो अभी तक उन्होंने फसल नहीं लगाई। और कितनी खूबसूरत ज़मीन है यहाँ की, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था सिंध पूरा, इतनी अच्छी मैदानी ज़मीन है। पहाड़ों की अपनी खूबसूरती होती है, मैदानी ज़मीनों की अपनी खूबसूरती है, दरियाओं की अपनी खूबसूरती है, समंदर की अपनी खूबसूरती है। अल्लाह की कोई चीज़ बनाई हुई भी बुरी नहीं है, ना कोई चीज़ बेफ़ायदा होती है, हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था सारा कुछ देख के, मेरा दिल कर रहा था मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करूँ और सारा व्लॉग में डाल दूँ, लेकिन फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स डाले। तो ये अभी हम जा रहे थे इंडस हाईवे पे, मोटरवे ख़त्म होती है उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा रास्ता जीटी रोड से होता है, फिर उसके बाद इंडस हाईवे है, वो अच्छा रोड बना हुआ है। तो क्योंकि इंडस हाईवे है तो इंडस रिवर पे बनी हुई है, इसलिए उसका नाम है इंडस हाईवे है। तो ये नीचे जो है अब सारा ये इंडस रिवर गुजर रहा है, तो ये पानी से खूब भरा हुआ था। वैसे तो अक्सर जो है हम गुज़रते थे तो इसमें भी पानी बहुत कम कम होता था, होता होगा लेकिन देखने में ऐसे लगता है जैसे दरिया तो बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तो माशाल्लाह ऐसे भरा हुआ है क्योंकि इतने ज़्यादा सैलाब आए हैं, तो भरा हुआ तो होना ही है। और ये जामशोरो ब्रिज है जो कि बहुत मशहूर है, तो अक्सर लोगों ने इसके बारे में सुन ही रखा होगा। इसके नीचे से रिवर गुजरता है और ये ऊपर बहुत बड़ा सा पुल है, तो अक्सर लोग जो भी हैदराबाद वगैरह आते हैं तो वो यहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं। तो अभी हमने सिस्टर के घर जाना था, लेकिन उससे पहले हस्बैंड ने किसी और को मिलना था, पहले हम उनके रेस्टोरेंट जाएँगे फिर सिस्टर के घर जाएँगे। तो ये मेरे हस्बैंड के भतीजे लगते हैं और मेरे भी रिश्ते में दूर से कज़न लगते हैं, तो इनके रेस्टोरेंट पे हम सिर्फ मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने फिर हमें छोड़ा ही नहीं खाना खाए बगैर। ये हमारे लिए आया है और कुछ तो नहीं बस ठीक है वो और भी कुछ मंगवा रहा था मैं इसी पूछ रहा था, तो फिर मैं जा रहा हूँ ना अंदर। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूं फिर मैं तो जा रहा हूं। चिकन टिक्का, मलाई बोटी, सैलेड है, रोटी है, और ये हमारे पास चटनी, और ये हमारा व्लॉग है। तो यहाँ नबील वेटर से पूछ रहा था कुछ और तो नहीं लाना, तो मुझे उस पर हंसी आ रही थी। तो वेटर कह रहा था अगर कुछ और चाहिए तो बता दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जो उन्होंने खाना है, फिश खानी है, कुछ भी खाना है, तो आप उन्होंने कहा जो भी खाना आप ऑर्डर कर दें, वेटरों को कहा था इनको पहुंचा दो। तो
तो मैंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने कहा मैं ना अंदर जा रही हूँ ना कुछ खा रही हूँ। कल शाम के हम निकले हुए थे घर से, पूरी रात हमने सफ़र किया, फिर 2-3 घंटे हमने रेस्ट किए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए, फिर हाजी साहब के घर गए, वहाँ पर हमने खाना वाना खाया, वहाँ भी बैठे रहे। फिर उसके बाद फिर गाड़ी में हमने सफ़र किया, वहाँ गुम्बट से यहाँ तक 4 घंटे का रास्ता है हैदराबाद तक, तो वो हमने सफ़र किया और पूरा दिन ही हमारा समझो सफ़र में ही गुजर गया। फिर उनके रेस्टोरेंट पे भी हमें 1-1.5 घंटा लग गया। हमने सोचा था सिर्फ मिल के निकल लेंगे, उनका घर भी हैदराबाद में है, लेकिन घर इसी वजह से नहीं गए कि वो छोड़ते ना, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट पे भी नहीं छोड़ा हमें, खाना खा के भेजा है खिला के। तो यहाँ हमने सिस्टर को पहले ही फ़ोन पर मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं बनाना, हम कुछ नहीं खाएँगे, ना चाय ना खाना, अगर वो ना भी खिलाते, हमने उनको भी मना किया था, तब भी हमारा मूड नहीं था। हमने सोचा हम नहीं खाएंगे, कराची जा खाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने हमें खाना भी खिला दिया, थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा हल्का फुल्का खाया, फिर चाय भी पी ली थी। फिर अभी सिस्टर के घर आ गए थे, दानियाल को जब पता चला कि हम सिस्टर के घर जाएंगे, तो उसने खाला को फ़ोन करके पहले ही फरमाइश कर दी कि मेरे लिए बैंगन बना के भेजें। वो कुछ टाइम पहले गया था, तो शायद सिस्टर के हाथ के बैंगन खाए तो उसको बड़े पसंद आ गए थे, तो अभी बस उसी के लिए यहाँ पर बैंगन फ्राई हो रहे हैं और जाने की तैयारी हो रही है। और हमने साथ सिस्टर को भी तैयार कर लिया था कि तुम भी हमारे साथ ही चलो। अचानक से प्लेन अच्छा तो कम है, यानी छोरी मामा दिए तो मैं वो काम करूंगा। ये जी बैंगन बांध दानियाल की स्पेशल फरमाइश में, थकावट की वजह से और बाल भी जाएगी मेरे बाबा। सही सही सारी बात है। ये फ्राइड राइस, ये शामी कबाब, ओ शलजम का अचार, पास्ता। टाइम 10 बज रहे, गड़िया ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होती तो चलती रहे। चलिए अच्छा किस आंद है? अच्छा। तो यहाँ सिस्टर मुझे बता रही थी कि शलजम का अचार जो है गाँव से बन के आया है, उनकी जठानी गई थी गाँव, तो वो वहाँ से बनवा के लेके आएंगे, और बड़े मज़े का था। कराची ले जाके हमने खाया, वो जो कुछ उसको हमने कहा ना तुम भी साथ ही चलो, हस्बैंड ने अचानक से बोला कि चलो चलो साथ ही चलते हैं, वहाँ गपशप लगाएंगे इकट्ठे, तो उसको भी तैयार कर लिया। तो फिर जो कुछ उसने बनाया हुआ था, फ्राइड राइस वगैरह, पास्ता और शामी कबाब वगैरह, सब पैक किया। बैंगन तो वो वैसे भी दानियाल के लिए बना रही थी, तो वो भी पैक किए, और हम इकट्ठे निकल गए, मैं और सिस्टर और मेरी भांजी, हम गाड़ी में बैठ गए। नबील और मेरे भांजे को जो हमने बस में बिठा दिया था, वो मेरे बहनोई उनको बिठा आए थे, तो बाकी हम 5 लोग गाड़ी में जा रहे थे। और दानियाल को शक हो गया था कि खाला भी आ रही है, तो अब वो पूछने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने नहीं बताया ना, मैंने कब बोला, मैंने कह रहा था कि वो कॉल नहीं उठा रही, वो भी साथ आ रही है, तो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं वो ऊपर वाले पोर्शन में होंगी इसलिए कॉल नहीं उठा रही, वो साथ नहीं आ रही, तो मुझे तंग नहीं करो मैं थका हूँ। तो उनको शक हो रहा था लेकिन हम बता नहीं रहे थे। तो बस बड़े मज़े का सफ़र गुजरा, सब गपशप लगाते पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह कराची। तो यहाँ हम कराची पहुँच गए थे, फिर उसके बाद हम लियारी एक्सप्रेस वे पे आ गए, तो ये बड़ा अच्छा हो गया ना, पहले मोटर वे, फिर थोड़ा सा जी टी रोड का सफ़र था, फिर इंडस हाईवे, फिर थोड़ा सा ऐसा वैसा सफ़र आया कराची का। अभी तो खैर कराची की रोडें माशाल्लाह पहले से काफ़ी अच्छी हो गई, और इस दफ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कराची पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ था। तो फिर उसके बाद हम लियारी एक्सप्रेसवे पे आ गए थे, वहाँ से बड़े आराम से हम घर पहुँच गए। तो इस तरह की जो सफ़र होता है ना, उसमें बंदे को बड़ा मज़ा आता, तंग नहीं होता सफ़र पर। तो बस जी यहाँ हम अपने शहर कराची पहुँच गए, और जो हमने कुछ दिन गुजारे हैं इकट्ठे, तो आगे के कुछ व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें हम घूमने वगैरह गए, जो कुछ किया वो सारा कुछ आपके साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया में, ये हमारा इलाका। तो यहाँ बस यहीं तक था आज का व्लॉग, फिर बहुत लंबा हो जाता तो आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया, थकी हुई थी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।